हेलो दोस्तों, राहुल स्कूल मिट्टी ट्यूशन पे आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और उम्मीद आगे भी करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग बहुत आसानी से सिर्फ 300 रुपये के अंदर एक ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं, और वो भी घर पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मॉड्यूल बहुत ही चीप मिलता है ऑफलाइन मार्केट में, तो कोशिश कीजिए आप इसे लोकेट मार्केट से ख़रीदें। ये लोकेट मार्केट में मुझे सिर्फ 170 रुपीज़ का पड़ा, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं ब्लूटूथ साइन है इधर। और ये दोस्तों दो मेरे पास ये मॉड्यूल है, इसमें मैंने सिर्फ एक ही यूज़ करना है, तो मैं एक को बाजू में रख देता हूँ। तो मैं छोटा वाला यूज़ करता हूँ दोस्तों। तो इसका मैं आप लोगों को थोड़ा स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारे कनेक्शन इधर प्रिंट है पहले से ही, तो इसे कनेक्शन करना बहुत ही आसान है दोस्तों। कोई भी इसे आसानी से कनेक्शन कर देगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे नया है वो भी इसे आसानी से कनेक्शन कर देगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इधर बाजू में स्पीकर का प्लस और स्पीकर का माइनस दिया गया है, और ऑन ऑफ स्विच के ठीक ऊपर लेफ्ट में बैटरी का माइनस और बैटरी का प्लस दिया गया है। ये ऑन ऑफ स्विच है दोस्तों, और इधर एक मेमोरी स्लॉट, और इधर पॉज और प्ले बटन दिया। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है दोस्तों कि इसमें आपको यूएसबी पिन का कनेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि ये कौन सा पिन है मुझे पता नहीं। तो मैं इसके बैटरी के कनेक्शन में आप लोगों को जोड़ के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसे अब कनेक्शन कर देते हैं। तो पहले मैंने एक स्पीकर को, मतलब कि स्पीकर बॉक्स बनाया है। इसमें मैंने 3 वाट का 3 स्पीकर पैरेलल में जोड़ दिया है दोस्तों। इसका आप लोग देख सकते हैं पैरेलल कनेक्शन करना बहुत ही ईजी है। इससे क्या होगा दोस्तों, इनका वाटेज थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन जो ओम है वो समान रहेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 4 ओम का है दोस्तों, इनमें सभी 4 ओम का है, और ये बहुत अच्छा बेस निकाल देता है दोस्तों। लॉकडाउन के चलते मैं इसे एक मोबाइल बॉक्स में बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी बाहर जाके सामान तो आप खरीद नहीं सकते। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे ऑन कर दिया, और ये अभी मैं इसे पेयर करने वाला हूँ। अभी पेयर हो गया, मैंने इसे बॉक्स के बाहर कनेक्शन किया है ताकि आप लोगों को कनेक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे से हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर, मतलब कि ब्लूटूथ मॉड्यूल वर्क कर रहा है दोस्तों। इधर से आप इसे पॉज भी कर सकते हैं। और ये एफएम स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसके कनेक्शन पे आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर बैटरी का थोड़ा दोस्तों मैं इसे आसानी से दिखाता हूँ। देखिए बैटरी का माइनस और बाजू में बैटरी का प्लस इधर है दोस्तों, और ये स्पीकर का प्लस और स्पीकर का माइनस दिया गया है। तो कनेक्शन बहुत ही आसान है दोस्तों। अभी एक बॉक्स के अंदर मैं इसे फिट करके बाद फिर से आते हैं दोस्तों वीडियो पे। तो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों अभी मैं इसमें मोबाइल का चार्जर कनेक्ट करके आपको पूरा एकदम फाइनल दिखाने वाला हूँ। तो इसे फिर से पेयर कर लेते हैं। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अभी इसमें अच्छा सॉन्ग प्ले करके मैं आप लोग दिखाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक दें,
और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है इसे प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बताएं दोस्तों कि ये बॉक्स थोड़ा गंदा दिख रहा है, क्या करें दोस्तों, लॉकडाउन के समय में बाहर तो जा नहीं सकते। तो अगली बार दोस्तों अच्छा बॉक्स में आप लोगों को इसे फिट करके दिखाऊंगा। अगर आप इसे एक अच्छे बॉक्स में फिट करके देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इधर से दोस्तों आप लोग भी गाना चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं गाना बदलता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा। तो मैं नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक लगा देता हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दें। ये बॉक्स दोस्तों बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट साइज का है, इसे आप कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मैंने इसे फाइनल पैक करके रख दिया है। तो अगले आप किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट के ऊपर ही अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।